हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एकोहम द्वितीयो नास्ति, सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिता श्री मेरे ऋषि कश्यप थे। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी भाद्र मास मनहार, चंद्र वंश रोहिणी नखत दिन विशुद्ध बुधवार, दिन विशुद्ध बुधवार। वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न राशि एक सा, जब सब शुभ वाणित बने तब प्रगटे श्रीनाथ, तब प्रगटे श्रीनाथ। माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मन्वंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुत्तपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे माता,
मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। प्रजापति सुतपा, हे देवी प्रश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एकोहम द्वितीयो नास्ति, सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिता श्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर
अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वरना मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह के संजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे, और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाएं। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर घर को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप
पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं ही अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी।